हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बजीज वर्ली फिंच में आप सभी का स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज का हमारा जो वीडियो का टॉपिक है वो ये है कि सबसे जल्दी कौन सा पैरट ब्रीड करता है। तो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं और आपको बताते हैं कि सबसे जल्दी कौन सा पैरट ब्रीड करता है। तो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, सबसे जल्दी जो पैरट ब्रीड करता है वो होता है वाइल्ड वाला बजीज, जिसे हम ग्रीन कलर का बजीज या फिर बजरीगर या फिर ऑस्ट्रेलियन पैरट या फिर रंग बिरंगे तोतो कई नामों से जानते हैं। उसमें जो ग्रीन कलर का बजीज होता है वो सबसे जल्दी और सबसे अच्छी ब्रीड करता है और पैरट के मुकाबले, जैसे कि लुटिनो का अगर आपके पास एक पेयर है और रैनबो का पेयर है एक, और होगोरोमो का पेयर है आपके पास एक, और एक आपके पास ग्रीन वाइल्ड वाला जो बजीज होता है उसका पेयर है, तो आप इन सबको सेपरेट केज में रखिए और एक्सपीरियंस करिए तो आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा। मैंने तो एक्सपीरियंस किया हुआ है, इसलिए मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि जो ग्रीन कलर का बजीज होता है वो सबसे अच्छी और सबसे जल्दी ब्रीड करता है। अगर आपको जल्दी ब्रीड चाहिए तो आप ग्रीन कलर के बजीज ज़्यादा से ज़्यादा पालिए, आपको बहुत ही अच्छी ब्रीड मिलेगी और बहुत ही जल्दी ब्रीड मिलेगी। फ्रेंड्स, इसके अलावा मैटर करता है, कुछ बर्ड की रिक्वायरमेंट होती हैं, उन्हें भी पूरा करना होता है तभी बर्ड जल्दी ब्रीड पे आता है और जल्दी से हमें ब्रीडिंग प्रोग्रेस देखने को मिलती है। वो रिक्वायरमेंट क्या होती है उन पर भी थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। फ्रेंड्स, वो रिक्वायरमेंट होती हैं सॉफ्ट फूड। अगर आप डेली बेसिस पे ग्रीन वेजिटेबल्स होती हैं उन्हें भी देना बहुत ज़रूरी है, सॉफ्ट फूड डेली बेसिस पे भी देना बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा मल्टी विटामिन्स भी देना बहुत ही ज़रूरी है। इसके अलावा कैल्शियम ब्लॉक भी देना बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा काले नमक भी देना बहुत ही ज़रूरी है। इसके अलावा स्पेस, अगर आप बर्ड को एक अच्छा स्पेस नहीं देते हो तब भी आपका बर्ड जल्दी ब्रीड पर नहीं आएगा। फ्रेंड्स, इसके अलावा अगर आपने कॉलोनी आउटडोरम बनाया है या इंडोरम बनाया है और वहाँ कोई ज़्यादा बर्ड को डिस्टर्ब तो नहीं कर रहा है, जैसे कि बाज वगैरह हॉक वगैरह जो होते हैं वाइल्ड के जो खतरनाक पक्षी होते हैं वो तो अटैक नहीं कर रहे हैं, इन सब चीज़ों को भी देखना पड़ता है। इसके अलावा मिट्टी भी रखना बहुत ही ज़रूरी है, जो चिकनी मिट्टी होती है नॉर्मल, कहीं से भी आप एक टुकड़ा ले आइए मिट्टी का और कॉलोनी में रख दीजिए, बर्ड उसे भी बहुत ही शौक से खाता है। फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें और अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन आ रहा होगा उसे भी प्रेस कर लीजिए ताकि नेक्स्ट टाइम वीडियो में जब भी कोई नया वीडियो अपलोड करूँगा उसका नोटिफिकेशन डायरेक्टली आपके मोबाइल या कंप्यूटर तक पहुँच जाएगा। फ्रेंड्स, तब तक के लिए गुड बाय, अल्लाह हाफिज़, फी अमानिल्लाह, मिलते हैं किसी नया वीडियो नया टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।